गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करने जा रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले फर्स्टली यू मस्ट नो अबाउट सम जो मतलब एंशियंट टाइम से जो बातें चल रही हैं एसिड और बेस के बारे में, पहले उसे जानना ज़रूरी है। फर्स्ट आता है हमारे पास एसिड किसे बोलते हैं। एसिड को अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स तेजाब, और बेस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स खार। फर्स्टली क्या करते थे कि एसिड को जज करने के लिए हमने टेस्ट का एज ए इंडिकेटर माना, मतलब हमारी टंग को एज ए इंडिकेटर माना। तो जिस चीज़ को खाने के बाद हमें ऐसा लगे कि ये स्वाद में खट्टी है तो उसे हम मान लेते थे कि ये एसिडिक है। जिस चीज़ को खाने के बाद हमें लगता था कि हाँ भाई ये थोड़ी कड़वी है तो इट मीन्स वो बेस है। तो अब नेक्स्ट काम क्या हुआ कि अब जैसे डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया चीज़ों को, कि जैसे अब ऑरेंज को खाते हैं वो स्वाद में हमें खट्टी लगती है, संतरा, लेमन, नींबू, टमाटो जो टमाटर है, टैमरिंड जो इमली है, तो जब कभी भी इन्हें खाते हैं तो स्वाद में हमें क्या आता है, खट्टापन लगता है। तो जो चीज़ खट्टी है इट मीन्स वो क्या है, वो एसिडिक है। तो अब जैसे कड़वी है जो चीज़ वो बेस है, तो करेला कड़वा है, उसका जूस कड़वा है, नीम कड़वी है, नीम की अगर दातन करते हैं तो क्या होता है, वी फील कड़वापन, है ना, तो वो क्या है, बेस है। इसके अलावा दवाई कोई भी खाते हैं तो कड़वी लगती है तो वो भी क्या है, बेस है। तो पहले एसिड और बेस की डिस्टिंक्शन जो है वो स्वाद के बेसिस पे की जाती थी। फिर धीरे धीरे अब आपको पता है कि जो साइंस है वो प्रोग्रेस करती जा रही है। पहले हमारे पास होते थे ऑर्गेनिक एसिड, अब इनऑर्गेनिक है, मीन्स अब जो है वो मैन मेड जो एसिडिक कंपाउंड आ रहे हैं, जो मिनरल्स से ऑब्टेन हो रहे हैं, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, तो ये नेचुरल तो नहीं है एसिड, ये तो हमें मिनरल्स से और से ऑब्टेन हो रहे हैं, ये मिनरल एसिड है। तो अब ऐसी चीज़ों को हम अपनी टंग के साथ तो नहीं डिटेक्ट कर सकते, हम अपनी टंग को वी कांट यूज़ अवर टंग एज एन इंडिकेटर। तो इट मीन्स फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, फिर थोड़ी सी साइंस ने प्रोग्रेस कर ली, फिर आया लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस पेपर क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर रेड है, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू है। जो रेड लिटमस पेपर है अगर उसे आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो जाएगा, इट विल चेंजेस इनटू रेड, वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो अब आपने याद क्या रखना है, यू मस्ट रिमेंबर बीबी रूल। व्हाट इज़ बीबी रूल, बेस ऑलवेज गिव ब्लू कलर, बेस हमेशा नीला रंग ही देगा, नीले लिटमस को नीला ही रखेगा, लाल को नीला कर देगा, तो बीबी रूल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास, अब आपने क्या जो साइंस है थोड़ी वो उसने फिर से डेवलपमेंट कर ली, थोड़ी और प्रोग्रेस होगी। अब पेपर के बाद नेक्स्ट के आना शुरू हो गया, फिर आ गया लिटमस सॉल्यूशन। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि देखो जिसे तो आप मतलब पेपर के इन कॉन्टैक्ट में अपने मतलब हाथ को इतनी क्लोज लेके जा सकते हो कि चलो कोई बात नहीं है, जो हार्मफुल एसिड नहीं होते उनके लिए तो पेपर ही बेस्ट है, लेकिन जो मतलब हार्मफुल हैं, डेंजरस हैं, केमिकल हैं, तो उनके कांटेक्ट में हम पेपर भी नहीं लेके जा सकते। क्योंकि अगर मान लो आपने सल्फ्यूरिक एसिड को चेक कर लें कि वो एसिडिक इन नेचर है, वी नो ऑल की दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, बट अगर पेपर से करना तो पेपर पे एक ड्रॉप डालोगे तो पेपर इवन जल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तो फिर आया हमारे पास सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है ये क्या करता है, यू ऑल नो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट, तो ये एक तरह की फंगी होती है जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है, जो एज ए इंडिकेटर वर्क करता है। सॉल्यूशन का काम भी सेम है, सॉल्यूशन भी जो है सेम एज दैट ऑफ पेपर की तरह ही वर्क करता है, कि बीबी रूल याद रखो, बेस ऑलवेज गिव ब्लू कलर, कि अगर कभी भी ब्लू सॉल्यूशन, अगर मान लो रेड सॉल्यूशन डाल दिया वो बेस है, तो उसका कलर क्या बन जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा।
अगर आपने बेस के अंदर ब्लू सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर ब्लू ही रहेगा। अब मान लो कि कोई मैजिशियन है, वो आपको मैजिक करके दिखाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कोई भी उसने टेस्ट ट्यूब ली, फिर वो क्या करेगा, उसमें उसमें सपोज दिखाया नहीं आपको, ऐसे दिखा दिया आगे से कि ये देखो टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है सोल्यूशन है, तो फिर उसमें वो कुछ ड्रॉप्स डाल देगा, फिर वो चेंज करके दिखा देगा आपको कलर। तो फिर अब आप क्या सोचोगे, आबरा कडाबरा उसने कैसे कर दिया, ब्लू रेड में कैसे चेंज हो गया, रेड ब्लू में कैसे चेंज हो गया, तो कैसे हो गया भाई, वो उसने इंडिकेटर ले लिया था, जब उसने एसिड में वो इंडिकेटर डाला तो कलर रेड ही आना था। तो अब वो क्या करेगा कि अगर वो बेस है उसमें डालेगा तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर थोड़ी साइंस ने और प्रोग्रेस की, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच पेपर। पीएच पेपर का क्या काम है, पीएच पेपर टेल अस दैट हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड एंड हाउ वीक द एसिड, हाउ स्ट्रॉन्ग द बेस एंड हाउ वीक द बेस। काम कैसे करता है पीएच पेपर, जो है ये भी एक तरह का पेपर है, लेकिन जब कभी भी उस पेपर को हम डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, देन दैट येलो कलर पेपर चेंजेस इनटू अनदर कलर, मतलब कि वो किसी और कलर में चेंज हो जाएगा, आइदर इट विल बिकम रेड और बिकम लाइट ऑरेंज और बिकम येलो और बिकम लाइट ग्रीन और इट बिकम ब्लू, वो कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है। तो फिर बात ये आती है कि भी ज़रूरत क्या है, क्यों हम करें, हमें पीएच पेपर की ज़रूरत ही क्या है। कि अब मान लो आपको दो कोई एसिड दे दिए, एक आपको नींबू दे दिया और एक आपको मौसमी दे दी, तो दोनों ही खट्टी हैं। अब टंग ने तो बता दिया कि ये एसिड है, लिटमस पेपर ने बता दिया कि रेड कलर है, तो अब पीएच पेपर क्या बताएगा भाई, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो ये डिस्टिंक्शन करता है, कैसे डिस्टिंक्शन करता है, बाय चेंजिंग द कलर, कलर को चेंज करके, किसके कलर को, वो जो हमने पीएच पेपर लिया उसके कलर को चेंज करके। तो अगर तो मान लो आपके पास सपोज लेमन एंड टमाटो है, अगर तो लेमन का मान लो जो कलर आया है वो टू सेकंड कलर के, सेकंड नंबर के कलर से मैच कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी पीएच टू है। अगर उसका, अगर टमाटो है उसका कलर जो है वो फोर नंबर के विद रिस्पेक्ट टू ऐसे कलर से मैच कर रहा है, तो उसकी पीएच क्या है, फोर है। अब मैंने क्या बताया, जितनी पीएच, अब आपने ध्यान में रखना है, जितनी इस तरफ वैल्यू कम होती जाएगी उतना स्ट्रांग एसिड बनता जाएगा, तो इट मीन्स जितनी छोटी वैल्यू उतना स्ट्रांग एसिड। सिमिलरली बेस के केस में मान लो मेरे पास दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ कौन सी हैं, मान लो मेरे पास जो है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मेरे पेट में, किसी के पेट में, मेरे पेट में मान लो क्या हो रही है कि एसिडिटी बन गई है, तो मैंने वो दवाई लेनी है। मैंने उसका पीएच चेक किया तो पहली दवाई का पीएच 10 आ गया, दूसरी का 14। ध्यान में बस एक ही चीज़ रखनी है, वो क्या, जितनी पीएच की वैल्यू होगी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितनी पीएच की वैल्यू होगी कम उतना वीक बेस होगा। तो आज के लिए आई थिंक दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर सफिशिएंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। इफ़ यू फील एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।